मार्शल आर्ट के मसीहा ब्रूस ली का नाम पूरी दुनिया में है। मुंबई में भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। चीता यज्ञेश शेट्टी की देखरेख में ब्रूस ली की जयंती पर लोखंडवाला के सेलिब्रेशन ग्राउंड में एक ऐसा आयोजन किया गया जिसमें मार्शल आर्ट से जुड़ी नवोदित प्रतिभाओं ने अपने फन का प्रदर्शन किया। इस आयोजन का मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम को प्रमोट करना भी रहा, जिसमें अपनी भागीदारी निभाने बॉलीवुड के इन कलाकारों ने भी वक्त निकाला और मार्शल आर्ट के प्रति अपनी चाहत दिखाई। बच्चियों की जो स्थिति है, आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप देश की स्थिति है जो ब्रूस ली जी का बर्थडे हुआ? बहुत ही अच्छा ओकेजन है ये एंड बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। मैं ये चाहूँगा कि सब इससे अवेयर हो जाए, सब इसकी मार्शल आर्ट सीखे एंड अपने आप को प्रॉस्पर करे। आई वॉज वेरी हैप्पी बीइंग हियर। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चियों के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते? ध्यान दो, बिकॉज वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारी उम्मीद है, वही हमारा, दे आर द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, दे आर द बिगिनिंग ऑफ लाइफ जैसे हम कहते हैं। एंड उनको सपोर्ट कीजिए, उनके ड्रीम्स को सपोर्ट कीजिए एंड मैं सपोर्ट करता हूँ, आई विश आप भी करें। आपके हीरो कौन है जैसे ब्रूस ली का आज बर्थडे है? मेरे हीरो डेफिनेटली ब्रूस ली है, मेरे डैड है, टोनी जा, जैकी चैंग, फिर बहुत से जितने भी आज फाइटर्स है, दे ऑल मैं सबसे इंस्पायर हो चुके सीखता हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी विद देम। तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही हिम्मत की बात है कि इतने सारे, इतना बड़ा टूर्नामेंट करने के बावजूद और इतने सारे लोग करने के बावजूद हम सब यहाँ पे मतलब इकट्ठा हो पाए इतनी तकलीफ़ों के बाद, क्योंकि मार्शल आर्ट्स को कोई सपोर्ट नहीं करता और मैं इससे अच्छा नहीं जानती हूँ, मतलब मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता है क्योंकि मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग आए मार्शल आर्ट सपोर्ट करें, किसी भी फॉर्म का मार्शल आर्ट्स हो। एंड आई हैट्स ऑफ टू मिस्टर यज्ञेश शेट्टी दैट ही गॉट दिस डन। सो कांग्रेचुलेशंस सर। कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि ना मार्शल आर्ट्स सिर्फ फाइट के लिए नहीं होता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, कॉन्फिडेंस के लिए होता है। अगर आपकी बेटी या आप, आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स मोस्टली, बट पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाएं, या लड़का हो या लड़की हो, डजंट मैटर सो मच, लेकिन लड़की हो तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है और हमारे हिंदुस्तान को इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैडम जी, सुरक्षा के लिए कभी यूज़ करना पड़ा आपको? जी हाँ, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, 3 साल की उम्र से कर रही हूँ, मुझे जब मौका मिलता है मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो आज के जो इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें कितना सपोर्ट करती है आप? सबसे पहले तो ये देखिए, मैं कोई भी ऐसा कॉज है जिससे बेटर हो रहा है हमारा देश और हमारी इंडिविजुअलिटी बेटर हो रही है, उसको मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक बहुत बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है हमारे सरकार के द्वारा, और उसके
साथ में ये मार्शल आर्ट्स है सर जो हमारे यहाँ पे रियाज सर साथ में खड़े हैं, तो मैं बहुत प्राउड हूँ और आई एम वेरी हम्बल टू बी एसोसिएटेड विद सच अ ब्यूटीफुल कॉज, और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ आज यहाँ आकर, क्योंकि मैं खुद, मेरी मॉम ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। राइट, इसके अलावा सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि अभी जो जैसे आपने देखा कि दिल्ली में मुंबई में ये सब लड़कियों के साथ जो हो रहा है, तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस कितना इम्पोर्टेंट है और ये और भी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए ऐसा लगता है? ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है, यू नो, विमेन सेफ्टी, विमेन प्रोटेक्शन बहुत बहुत सीरियस इशू हो गया है, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ हम पढ़ते हैं, नींद से उठते ही हम ऐसी खौफनाक चीज़ें पढ़ते हैं, दिल दहल जाता है सुन के। तो मुझे लगता है सेल्फ डिफेंस तो सबको आना चाहिए, लड़कियों को तो खास तौर पे आना चाहिए, और मुझे तो लगता है लड़कों को भी आना चाहिए सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबको सीखना चाहिए, अपने आप को बचाना हम सबको आना चाहिए, और सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे याग्नेश सर ने भी कहा कि आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, आप जब मार्शल आर्ट करते हैं तो आप मेंटली भी और स्ट्रांग ज़्यादा हो जाते हैं, एंड यू बिकम वेरी हम्बल एज अ पर्सन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर योर मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस, हम मेंटल फिटनेस को इग्नोर करते हैं, मेंटल फिटनेस उतनी ही इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस से, बट दोनों बैलेंस होना चाहिए। इस तरह का आयोजन लंबे समय से करते आ रहे मार्शल आर्ट के मशहूर शख्स चीता यज्ञेश सेट्टी ने इस मौके पर अपनी बात रखी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मकसद बताया। सर आज का जो इवेंट है बताइए, आपने बहुत मेहनत की। ये मेरा मेहनत नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जितना भी मार्शल आर्टिस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो फिल्म स्टार लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम लोग कम से कम 10 साल से अलग अलग इवेंट कर रहे हैं, ये बार हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक हो रखा है। सो इसमें हम ये बोलना चाहते हैं कि हर बच्चे को, हर लड़की को ये आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। ओलंपिक में भारतीयों को भेजने की चाहत रखने वाले और स्पोर्ट्स की दुनिया में सक्रिय रहने वाले रियाज भाटी ने इस आयोजन का महत्व बताया। ये जो स्टेप लिया है चीता सर ने, वो बहुत बड़ा स्टेप है, जो लड़कियों को ट्रेनिंग कर रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने हर साल इनके एक फंक्शन में आता हूँ और एक और ऐड करता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, ताकि लड़कियां जब खेलेगी स्पोर्ट्स में आएगी तो ही आगे आएगी, और मैं चाहता हूँ कि इनका ये स्टेप, इनका ये जो कार्य है उसको हम सब सपोर्ट करें और इसको आगे लेके जाएं। ये जो जीत कुंडे का नेशनल होता है और उसी दिन ब्रूस ली का बर्थडे होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, इतना प्यार ब्रूस ली को सिवाय सर के और कोई नहीं कर सकता, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट, मुझे हर साल इसके लिए आना पड़ता है और मैं प्राउड फील करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ आने के लिए। मार्शल आर्ट आज के दौर में बेटियों के लिए इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि वे अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रह सकें और आने वाली हर चुनौतियों का बखूबी मुकाबला कर सकें, और मौका जब ब्रूस ली की जयंती का हो तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मार्शल आर्ट की दुनिया में ब्रूस ली का नाम सूर्य की तरह है, और यही कारण है कि उनकी जो रोशनी है वो लगातार पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी उनका ज़बरदस्त असर है। यही कारण है कि इस इवेंट के ज़रिए एक संदेश के साथ इस मकसद को जोड़ा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जाहिर है जब इस तरह का जो संदेश आता है तो उससे सबसे भला अगर किसी का होता है तो वो समाज का होता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।